दोस्तों, कई बार एटीएम कार्ड खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो एटीएम कार्ड का कोई मिसयूज ना करे, इस वजह से इसे ब्लॉक करवाना पड़ता है। वही जब एटीएम कार्ड मिल जाता है तो अधिकतर लोग इसे अनब्लॉक करवाने के लिए परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो आज हम आपको चार तरीकों के बारे में जानकारी देंगे जिसके मदद से आप अपने एटीएम कार्ड को अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें सबसे पहला है कस्टमर केयर को कॉल करके। अगर आपने किसी वजह से अपने कार्ड को टेम्परेरी रूप से ब्लॉक करवाया है तो इसे अनब्लॉक करवाने के लिए आप कस्टमर केयर को कॉल करके अपने एटीएम कार्ड को अनब्लॉक करवा सकते हैं। दोस्तों, कस्टमर केयर नंबर बैंक के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी पूरी पहचान बताना होगा। इसके बाद जो आपका कार्ड होगा वो कुछ ही सेकेंड में अनब्लॉक हो जाएगा। दूसरा तरीका है ईमेल करके। अगर आप अपने ब्लॉक एटीएम कार्ड को अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से अपने बैंक को एक ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल में आपको कार्ड अनब्लॉक करवाने के लिए बताना होगा। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी और आपने किस वजह से अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवाया था, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। दोस्तों, ईमेल भेजने के बाद जो आपका कार्ड होगा वो 24 घंटे के अंदर अनब्लॉक हो जाता है। दोस्तों, कई बार अपने आप भी आपका एटीएम कार्ड अनब्लॉक हो जाता है। जी हाँ, अगर आप कभी एटीएम मशीन से पैसे निकालने गए हैं और आपने अपने कार्ड का पिन 3 बार गलत डाल दिया है तो फिर आपका जो डेबिट कार्ड होता है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ऐसा आपके बैंक अकाउंट को सेफ रखने के लिए किया जाता है। ऐसे स्थिति में आपको बस 24 घंटे का इंतजार करना होगा। इसके बाद जो आपका कार्ड होगा वो अपने आप अनब्लॉक हो जाता है। इसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड के पिन को रिसेट करके दोबारा यूज कर सकते हैं। बैंक जाकर भी अपने एटीएम कार्ड को अनब्लॉक करवा सकते हैं। दोस्तों, यहां बताया गया किसी भी प्रोसेस से अगर आपका एटीएम कार्ड अनब्लॉक नहीं हो रहा है तो आप अपने बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं। बैंक में आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा। इसके बाद बैंक की तरफ से आपका जो कार्ड है वो 24 घंटे के अंदर अनब्लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है ऐसे चार तरीके जिसके मदद से आप अपने ब्लॉक एटीएम कार्ड को अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।